हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ निलोफर एंड यू वाचिंग टेक्नोलोफर। आज हम बात करने वाले हैं बैकलिंक्स के बारे में। क्या आपको पता है बैकलिंक्स हमारी वेबसाइट के लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं? और अगर आपको नहीं पता और आप एक वेबसाइट रन करते हैं और आप नहीं जानते, आप सिर्फ पोस्ट लिखने में अपनी मेहनत वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बैकलिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में अगर आपने बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट नहीं किए तो आपकी ब्लॉगिंग जर्नी एक तरीके से कह सकते हैं कि बेकार ही जाने वाली है। क्योंकि जब तक हम बैकलिंक्स नहीं बनाते तब तक गूगल की नज़र में हमारी अथॉरिटी बिल्ड नहीं हो पाती और हम इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाते ब्लॉगिंग में। एक्चुअली मैंने भी अपने काफ़ी सारा वक्त सिर्फ पोस्ट लिखने में, जब मेरी एक इस्लामिक nilofaradhari.com नाम से वेबसाइट है उस पर आप चेक कर सकते हो, इस्लामिक पोस्ट डालती हूँ मैं हिंदी में, जब मैं उस पर लिखा करती थी तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। वो मेरी पहली वेबसाइट थी जिसे मैंने खुद ही बिल्ड किया, खुद ही स्टार्ट किया, तो उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं था और मैं बैकलिंक्स नहीं बनाती थी, जिसकी वजह से मेरी उस साइट को रैंक करने में आई थिंक 1.5 साल लग गया था। क्योंकि मैंने उसके ऊपर, लेकिन हाँ, मैंने उस पर SEO किया था और बहुत सारे पोस्ट लिखे थे। रेगुलर मैं एक पोस्ट ज़रूर डालती थी। मेरी हर पोस्ट 3000 या 4000 वर्ड की होती थी, 2500 से कम तो मुश्किल से ही होती थी। तो मैंने नोटिस किया, तभी मैंने उन कीवर्ड्स को टारगेट किया था जो हाई रेंज में होते हैं, जो बहुत सारे सर्चेज होते हैं, जिनके लाख में, मिलियन में, 1000 में सर्चेज थे, उन कीवर्ड को टारगेट किया था, जो रैंक करने में बहुत वक्त लग गया। ये सब कुछ जानते जानते मुझे काफ़ी वक्त लग गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप मेरी इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि बैकलिंक्स क्या होते हैं। बैकलिंक्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कराने वाली हूँ मैं आपको, आपको क्या करना है वो सब बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि बैकलिंक्स हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी चाहिए है बैकलिंक की लिस्ट तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये इस पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने वाली हूँ, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है एंड आप पहुँच जाएंगे इस पेज के ऊपर, जिसमें आपको व्हाट आर बैकलिंक्स ऑन आवर वेबसाइट लिस्ट ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स, मतलब आपको वो आपको पहले यहाँ कंप्लीट गाइड किया जा रहा है बैकलिंक्स मीनिंग व्हाट आर बैकलिंक्स। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, हाउ मेनी बैकलिंक्स डज माई वेबसाइट हैव, बैकलिंक्स फॉर ब्लॉग्स, बैकलिंक्स क्रिएट, उसमें 10 पॉइंट्स हैं वो भी दिए हैं मैंने। व्हाट आर बैकलिंक इन वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन लिस्ट ऑफ टू फॉलो बैकलिंक्स। जब आप इस जगह आएंगे तो आपको ये रेड कलर का दिख रहा है लिस्ट, क्लिक हेयर लिस्ट ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना होगा। कोई टाइमर नहीं चलने वाला है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे लिस्ट ऑफ बैकलिंक्स के ऊपर, आपको यहाँ मिल जाएगी वो लिस्ट जिसमें आप अपने बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। इसमें मैंने कुछ भी खास ज़्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई है। आपको यहाँ 25 लिस्ट मिलेंगी जो कि फॉरम लिस्ट है, बड़े बड़े फॉरम हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हाई है। और आप यहाँ पर बारी बारी से आएंगे, आपको कुछ एक फॉरम में अगर ज्वाइन करना है या फिर कई और फॉरम ज्वाइन करना है वो आपकी मर्ज़ी है। आप वहाँ पर जाएंगे, आपको 100% डू फॉलो बैकलिंक मिलेंगे और आपको वो ज्वाइन कर लेना है और अपने जो आर्टिकल्स हैं वहाँ सबमिट करना होंगे। जिस तरीके से ये प्रोवाइड कराते हैं आपको, ये देखिए, आपको सिंपल इस तरीके से कॉपी लिंक टेक्स्ट, सॉरी एड्रेस करना था, लिंक एड्रेस पर कॉपी किया, आपको वो लिंक यहाँ पेस्ट करना है और उसे सर्च कर देना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक फॉरम ओपन हो जाएगा।
थोड़ा सा वेट कीजिए, आई थिंक नेट स्लो की वजह से थोड़ी देर लग रही है। ये देखिए, यहाँ पर आपको होम रजिस्टर फॉरम रूल्स लॉगिन, आपको ये जो रजिस्टर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। मैं आपको एक फॉरम पर कैसे रजिस्टर करना है वो बता दे रही हूँ, अदरवाइज़ आप उसी टाइप से कर लेंगे। आपको आई एग्री टू दिस टर्म्स पर क्लिक करना होगा। यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 3 कैरेक्टर्स एंड 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड यूज़ अल्फाबेटिक, यानी आपको एक यूज़र नेम जो यहाँ पर क्रिएट करना होगा इस जगह पर, और आपको यहाँ 15 कैरेक्टर का यूज़र नेम यूज़ करना होगा, जिसमें आपको स्मॉल एंड कैपिटल अल्फ़ाबेट और सिंबल वगैरह यूज़ करने हैं। यहाँ डालनी है आपको अपनी ईमेल आईडी, एंड यहाँ क्रिएट करना है आपको 100 कैरेक्टर्स का पासवर्ड। मस्ट बी बिटवीन 6 कैरेक्टर एंड 100, मतलब 6 से 100 कैरेक्टर के अंदर आप पासवर्ड सेट करेंगे। री एंटर पासवर्ड करेंगे यहाँ, कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चुन लेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश ही रहने दीजिएगा, और यहाँ से आप अपना टाइम चुन लेंगे। इंडिया से हैं तो ये कोलकाता वाला चुनेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, और आप यहाँ ठीक है कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ लॉगिन कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है, इसलिए मैं सबमिट नहीं कर रही हूँ। ये देखिए तो रॉन्ग बता रहा है, मैंने कुछ फिल ही नहीं किया था। आप इसी तरीके से फिल करेंगे और यहाँ ऐड हो जाएंगे, और यहाँ से लॉगिन करते हैं। यहाँ यूज़र नेम और यहाँ ये यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर आप एंटर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप फिर से आएंगे, और अगर आपको दूसरा फॉर्म चाहिए है आपको बनाना है तो आप उसको क्लिक करेंगे, लिंक कॉपी एड्रेस करेंगे, और फिर से गूगल में पेस्ट करेंगे एंड सर्च कर देंगे। ये बहुत जेन्युइन फॉरम्स हैं, आपको यहाँ से 100% डू फॉलो बैकलिंक्स ही मिलने वाले हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर भी रजिस्टर कर लेना है और साइन अप, यहाँ से देखिए ये साइन अप बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और साइन अप कर लेंगे। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा तो वक्त लगता है, लेकिन आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है, जो ग्रोथ है, ट्रैफिक है, वो इंक्रीज़ बहुत जल्दी होता है। थोड़ा सा अगर हम इन चीज़ों पर वक्त लगा देते हैं तो आपको खाली आर्टिकल लिखने पर ही वक्त नहीं लगाना है, इन चीज़ों को भी टाइम देना है। मेरे नेट स्लो होने की वजह से ऐसा हो रहा है। आप इस तरीके से कर लीजिएगा, बारी बारी आप वेबसाइट पर जाएंगे एंड वहाँ से इस लिस्ट में से कॉपी करेंगे और गूगल में पेस्ट करेंगे, और आप एक बैकलिंक जनरेट कर लेंगे। आपके पास 25 फॉरम्स हैं, आप जितने चाहें उतने बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ेगी, और आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा। क्योंकि अगर वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं तो वेबसाइट बेकार है, सारी मेहनत भी बेकार है। इसलिए आप ये जो तरीका है वो फॉलो कीजिए एंड सक्सेस कीजिए। दुआ में याद रखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक करें, कमेंट करें, कुछ कमी हो तो भी बताएं, हम उसे इंशाल्लाह इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।